हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो यहाँ पर रिलीज हो गई है, अगर इस ये शेयर है जिसका नाम है सिर्फ टेक्नोलॉजी। इस वीडियो को जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे एक BSE जिसमें आपको अलग अलग बड़े बड़े लोग भी फॉलो करते हैं, वहां पर आपको अलग अलग शेयर मिलते हुए नजर आएंगे और 1 लाख रुपए 5 महीने में यहाँ पर 5,36,254 रुपए में कन्वर्ट कर दिया और 439% का रिटर्न दे दिया है। तो इस वीडियो को जाके देखिए, मिस मत करिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी नई नई कंपनी से मैं आपको यहाँ पर मिलवा रहा हूँ ताकि आप ये कंपनी को अपने पोर्टफोलियो अपने वॉच लिस्ट में या कहीं लिख के रख लीजिए ताकि ये कंपनी जब भी आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सही आए तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सके और अच्छा पैसा बना सके। तो हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, दो स्टॉक से रिलेटेड जहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे, शॉर्ट में निपटाएंगे उस वीडियो को। बट बिफोर द वीडियो में आप आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके की वीडियो आए तो ये वीडियो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सके, सीख सके और जितना हो सके समझ सके। एज वेल एज यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर दे रखे हैं, अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर कंपनी की जिसका नाम है चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, नाम सुना ही होगा आपने। आज भी लगभग 7% ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया। डिविडेंड कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। 5 तारीख को इसके है क्या है रिजल्ट है एज वेल एज डिविडेंड, डिविडेंड और फाइनेंशियल रिजल्ट दोनों के दोनों यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा ये इस कंपनी में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस शेयर को क्यों बताया जा रहा है। तो ब्रेकआउट की वजह से ये शेयर को आपको बताया जा रहा है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, देखिए जो रिटर्न्स आपने यहाँ से यहाँ कमाए होंगे, सपोज कि 600 सात से 700 रुपए तक जाने में, 750 रुपए तक जाने में आप इस शेयर को बड़ा टाइम लगा है, मार्च से लेके अभी तक पूरा मार्च अप्रैल ये 2 महीने ले गया। बट ब्रेकआउट का मतलब होता है अगर ब्रेकआउट हो गया और अच्छा वाला ब्रेकआउट हो गया तो ये ही रिटर्न आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। बट इन रिटर्न को पाने के लिए एक बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हम दो स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चोलामंडलम फाइनेंस की। तो चोलामंडलम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट पे शेयर खड़ा हुआ है। ब्रेकआउट क्या मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है मेक और ब्रेक लेवल। तो आज के दिन में ये 7% ऑलरेडी भागा है, हाईएस्ट लेवल है 768 रुपये। अगर 768 रुपये का लेवल यहाँ से निकालता है और कोई ऐसी कैंडल इसमें बन जाती है जो इसे ऊपर की तरफ ले जाती है तो याद रखिए आपको बहुत कम टाइम में एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। बट यहाँ पर से चीजें ऊपर ही नहीं नीचे भी आ सकती है तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो आप जो भी कैंडल बनेगी उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना है और अगर चीजें ऊपर भागती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करते करते चीजों को लेके जाइए ताकि अगर पोजिशन नीचे की तरफ आती है तो आप प्रॉफिट के साथ यहाँ पर एग्जिट कर सके। तो यहाँ पर उसी स्ट्रेटेजी के साथ जो हम हमेशा ही करते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर चोलामंडलम फाइनेंस की तरफ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा एक और बेहतरीन स्टॉक्स नेटवर्क 18, आपको यहाँ पर नेटवर्क 18 की बात करें तो बड़े कम प्राइस पे नीचे के लेवल से ही यहाँ पर आपको दिला रखा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको नेटवर्क 18 का यहाँ पर वीडियोज मिल जाएगा। तो यहाँ पर बड़े कम प्राइस में यहाँ पर देखिए 2 महीने पहले ही यहाँ पर इन वीडियोस बनाई गई थी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ नेटवर्क 18, तो यहाँ पर लगभग जब यहाँ पर ये रैली शुरू हुई थी उसी के आसपास यहाँ पर आपको 70 और 75 80 रुपीज के आसपास ये शेयर दिलाया गया था और एक बेहतरीन रैली यहाँ पर आप होती हुई नजर आई हो। अब ये स्टॉक यहाँ पर मेक और ब्रेक, मतलब अगर बात करें यहाँ से या तो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आज का जो इसका लेवल है 115 रुपये 40 पैसे अगर यहाँ पर निकाल देता है और एक बेहतरीन कैंडल बनती हुई नजर आती है तो शॉर्ट टर्म में ही आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। बट जैसे कि स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर पोजिशन यहाँ पर नीचे गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट भी होती हुई नजर आ सकती है जो इसे 95 रुपीज तक आपको लेके जा सकती है। तो ये दो स्टॉक्स नेटवर्क 18 और चोलामंडलम फाइनेंस दोनों को आपको ध्यान में रखना है, अपनी रिडार पे रखना है। एक बेहतरीन स्टॉक्स है दोनों के दोनों और इनके रिजल्ट भी आने वाले हैं तो उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।